हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्तों रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्टिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI PM मुद्रा लोन के बारे में। अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो यहां पर किस तरीके की शर्तें रहने वाली हैं, क्या कैसी का टर्म एंड कंडीशंस रहेगी, कहाँ से आपको आवेदन करना है, कैसे अप्लाई करना है, पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं SBI PM मुद्रा लोन के बारे में पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ पर PM SBI मुद्रा लोन के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना होगा। ब्राउजर पर एक वेबसाइट को ओपन करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च कर देना है SBI PM मुद्रा लोन। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर देखिए आपको कुछ इस तरीके से सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। यहां पर देखिए फीचर्स और एलिजिबिलिटी कैटेगरी, टर्म एंड कंडीशंस, तीनों कॉलम यहां पर दिए गए हैं। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा जहां पर मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, तो यहां पर आप यहां पर अपनी सुविधा अनुसार सारी डिटेल्स इसकी बारीकी से पढ़ सकते हो। अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है तो ऊपर की तरफ देखिए यहां पर हिंदी लिखा हुआ है, सिंपली यहां पर क्लिक कर दीजिएगा तो सारी डिटेल्स आपको यहां पर हिंदी में शो करने लगेगी। जैसे कि विशेषताएं, पात्रता मापदंड, नियम एवं शर्तें, तीनों कॉलम आ गए ना हिंदी में। तो यहां पर सबसे पहले तो बात करते हैं विशेषताओं की। तो देखिए यहां पर जो आपका लोन है उसे तीन कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया। पहली कैटेगरी में आपका शिशु लोन होगा जो कि 50,000 रुपए तक का रहेगा मैक्सिमम। दूसरी कैटेगरी में आपका किशोर लोन होगा जो कि आपका 50,000 से 5 लाख तक की कैटेगरी में वर्गीकृत रहेगा। तीसरा आपका तरुण लोन होगा जो कि 5 लाख से 10 लाख तक की कैटेगरी में वर्गीकृत होगा। यहाँ पर मिनिमम आप 50,000, मैक्सिमम आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है अधिकतम ऋण राशि 10 लाख तक, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर मार्जिन की बात करते हैं, तो देखिए अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 10% की दर पर आपको यहाँ पर ब्याज दर चुकानी होगी। और अगर आप 50,000 रुपये का लोन लेते हो तो यहाँ पर मात्र आपको 0.50% ही यहां पर आपको कर राशि चुकानी होगी, ऋण राशि चुकानी होगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये सबसे अच्छी चीज है। इसीलिए यहां पर मुद्रा लोन आपने ज्यादातर सुना होगा कि यहां पर 50,000 रुपए का मुद्रा लोन ज्यादातर लोग यहां पर ले रहे हैं। इसीलिए यहां पर ले रहे हैं क्योंकि यहां पर 0.50% की दर पर आपको यहां पर आपको ब्याज भरना है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं पात्रता मापदंडों की। तो यहां पर देखिए जैसे ही आप यहां पर पात्रता मापदंड के बटन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए ज्यादा कुछ जानकारी दी नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पर पात्रता सिर्फ एक ही होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर SBI का कस्टमर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास SBI की पासबुक है, बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है SBI में, तो यहाँ पर आप लोन ले सकते हो। इसके बाद नियम और शर्तें, नियम शर्तों में भी काफी ऐसी चीजें दिए गई हैं जिसे आप पढ़ सकते हो। सारी चीजें हिंदी में है, हिंदी में कर लीजिए ऊपर की तरफ से, तो आप यहाँ पर सारी डिटेल्स बारीकी से पढ़ सकोगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमें यहाँ पर आवेदन किस तरीके से करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको दोबारा से इस वेबसाइट को इंग्लिश में करना होगा, क्योंकि यहां पर अगर आप हिंदी में करते हो इस वेबसाइट को तो देखिए यहां पर अप्लाई नाउ को आपको बटन शो नहीं करेगा हिंदी पर। अगर इंग्लिश में करते हो तो आपको बटन शो करेगा। तो यहां पर मैंने इंग्लिश में कर दिया तो बटन शो करने लगा। अब मैं यहां पर देखिए लिखा है ना ब्लू कलर से अप्लाई नाउ, यहां पर क्लिक किए देता हूं। क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर छोटी मोटी आपको डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जैसे कि नेम ऑफ की पर्सन, मतलब कि जिसने के नाम पर आप लोन लेना चाहते हो उसका नाम। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको एक एक करके भर देनी है, ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स भर देनी है। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और आपके मोबाइल पर भी वो रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जिसको आपको सेव करके रख लेना है। और 2 से 8 दिन के अंदर अंदर आपको आपके बैंक की तरफ से, जो भी आपने यहाँ पर बैंक की ब्रांच को सिलेक्ट किया होगा, वहाँ से आपको एक कॉल आएगा और आपसे पूछी जाएगी बेसिक डिटेल्स, और आपको ब्रांच में विजिट करना होगा। वहां पर आपको सारे एक एक करके जो जो डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ब्रांच में विजिट करोगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे क्या क्या यहां पर चाहिए होगा। तो आप ब्रांच में विजिट करके वहां पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा और आपका लोन जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाएगा। यहां पर मैक्सिमम आपका 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा और आपका यहां पर लोन अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां पर आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।